नमस्कार सभी को, आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भाई, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। तो हमें वीडियो को देखना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं 2 मिनट या 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल प्रेस करें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लास 10th है, एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हमने कुछ पार्ट किए थे, आज हम कुछ सम्स करेंगे। भाई, 4 होते हैं, 5 होते हैं, जितने भी होते हैं। तो चलो, हमारे पास ये है, इक्वेशन डाले, फाइंड द रूट्स हम इसके अंदर करें। एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है और x इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम इसका एलसीएम, x आ जाता है, x x के साथ मल्टी करेंगे हम x^2 और -1 1 इज इक्वल टू 3x। क्योंकि अगर हम x की टेबल पढ़ते हैं तो 3 लग पढ़ेंगे, x लग पढ़ेंगे हम, तो 3x के साथ इसकी मल्टी हो जाएगी, 3x आएगा। x की 1 लग पढ़ते हैं तो 1 1 1 आएगा, और x के साथ इसकी पढ़ते हैं तो x x x^2 हो जाएगा। अब x^2 और -3x -1 इज इक्वल टू हम इसकी 0 रख देते हैं। इसके बाद है, अब हम d बराबर फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर। d बराबर b^2 / 4 ac डालेंगे हम। अब d, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a b, ये c होता है, -3^2 -4 × 1 और -1। तो d इज इक्वल टू 3 3 9, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, 4 एकम 4 4 एकम 4। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 13। तो इसका मूल है, मूल कब होता है भाई, मूल जब होता है जब हमारे पास डी की वैल्यू अगर प्लस में आ जाती है तो उसका वो क्या होता है, मूल होता है। तो हम इसके अंदर अल्फा लगाते हैं, हम -b और प्लस डी की वैल्यू रखते हैं यहाँ, और यहाँ रखेंगे हम 2a। अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और डी की वैल्यू हमारे पास 13 है, और यहाँ 2 × 1 रख देते हैं इसके अंदर। उसके बाद है, यहाँ करते हैं हम अल्फा इज इक्वल टू 3 + √13, 2 एकम 2 ही आएगा। तो इससे मतलब कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो इसका मूल यही आ जाता है। आगे हम निकालेंगे बीटा, क्या निकालेंगे हम बीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 और -√d की वैल्यू रखते हैं हम इसके अंदर। तो यहाँ 2 × 1 और बीटा इज इक्वल टू 3 − √13 और 2 एकम 2। तो अल्फा की वैल्यू क्या, इसके मूल क्या हो जाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम मूल 3 + √13/2 और -3 √-13/2 इसके ये आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4th, भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपका समय बहुत ही कीमती है, तो आप पढ़ें। मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ लिखकर आप अच्छे बने, कहीं जॉब करें, आप सभी का दिल खुश होगा और अपने पेरेंट्स का सपना साकार कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4th करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, सॉरी भाई, इसी के पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है, 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे हम। 1/(x−4) और -1/(x−7) इज इक्वल टू 11/30, 11/30 करेंगे हम भाई। अगर जैसे मान ले, कई बार फुल स्टेटमेंट होती है वो हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं डाल सकते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर लिखने में ज़्यादा समय खराब होगा तो आपका भी समय खराब होगा। इसीलिए आपके लिए अपने मैथ के अंदर स्टेटमेंट देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ सोल्व करके अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ। तो जो सबसे पहले हम भाई ध्यान देने की बात है, पहले हम इसके साथ इसकी क्रॉस मल्टी करेंगे भाई, आसानी रहेगी। इसके साथ इसकी क्रॉस मल्टी करेंगे हम, x = x -7 = 7
और माइनस एक्स एक अब एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चार एकम चार। तो इसके साथ हम मल्टी कर हो चुकी है हमारी, पहले एक्स के साथ ये मल्टी करेंगे हम एक के साथ, तो यह आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टी करते हैं एक्स की 2 माइनस 7x माइनस 4x, और 7 चौके 28 इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम 11/30 रखेंगे। अब इसमें से क्या कटता है, ये कट जाता है इसमें से, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। अब इसमें से इसको हम घटाते हैं, कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे हम 3 बचेगा। अब एक्स की 2 और 7 और 4 11x और प्लस 28 और 11/30 हमारे पास 30 आ जाएगा। अब हम इसकी फिर इसके साथ क्रॉस मल्टी करेंगे हम, तो 11 11 कितना आएगा, सॉरी भाई यहाँ प्लस है, मिस्टेक हो चुकी है भाई, सॉरी चाहते हैं। यह हमारे पास क्या था, प्लस का मारक था इसके अंदर। तो इसके साथ दोबारा से मल्टी करके दिखाता हूँ मैं, एक्स और माइनस 7 और माइनस एक्स और माइनस 4 हो जाएगा। अब इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे हम, एक्स की 2 माइनस 7x माइनस सॉरी प्लस 4x और 7 चौके 28 इज इक्वल टू 11/30 रखेंगे हम। भाई मिस्टेक हो चुकी थी, गलती, माफ़ी चाहते हैं। इससे अब ये कट जाएगा, ये 7 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11 हो जाएंगे। एक्स की 2 रखेंगे हम, और इसमें से बचेगा हमारे पास माइनस का 3x और माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30 हमारे पास 30 बच जाएंगे। तो प्लीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। अब हम इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे हम, 11x की 2 11 3 33x, और अब इसके साथ करेंगे हम 11 8 88 11 2 22 8 30 308 इज इक्वल टू माइनस 11 3 33। अब इज इक्वल टू मार्क हम बाहर निकालेंगे, तो 11x की 2 माइनस 33x और माइनस 308 और प्लस का हमारे पास 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। उसके बाद हम इज इक्वल टू मार्क इसका बाहर निकाल देते हैं, इज इक्वल टू मार्क हम बाहर निकाल देंगे, इज इक्वल टू यहाँ रख देते हैं हम। अब 11x की 2 माइनस 33x और इसमें कितना बचेगा हमारे पास प्लस का 22 इज इक्वल टू हम 0। अब इसमें से क्या निकलता है, कॉमन निकलता है, तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 11 कॉमन निकाल लेंगे, एक्स की 2 माइनस 11 3 33, एक्स 11 2 22, तो हमारे पास ये कॉमन आ चुकी है। अब हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स की 2 और माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, डी बराबर B2 4AC फॉर्मूला लगाएंगे, डी इज इक्वल टू 3 के पावर 2 रख देते हैं, तो 4 गुना 1 गुना 2, तो डी इज इक्वल टू 3 3 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 1, तो इसके ये क्या हो जाएंगे मूल हैं, तो हमें इसको ज्ञात करना है। भाई मूल ज्ञात कब होते हैं, भाई जब हमारे पास डी की वैल्यू अगर प्लस में आ जाती है तो हमें मूल ज्ञात करने होते हैं। उसके बाद हैं अल्फा लगाएंगे हम, माइनस फॉर्मूला सभी को पता है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ डी की वैल्यू रख देते हैं हम, और 2 गुना 1, अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस डी की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ 1 और 2 एकम 2। अब 3 प्लस 1 का रूट निकालेंगे हम, 1 2, और अल्फा इज इक्वल टू 3 और 1 4, 2 से काट देंगे हम, 2 दूनी 4, तो 2 की अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। उसके बाद हैं हम बीटा निकालेंगे, बीटा की वैल्यू फॉर्मूला माइनस बी माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो 3 और माइनस 1 और 2 गुना 1 रख देते हैं हम, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 और 2 एकम 2, और बेटा कितना बचेगा हमारे पास 2/2, 2 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, तो बेटा की वैल्यू हमारे पास 1 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 है, और बेटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे मूल।
इस द्विघात समीकरण के ये मूल हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3 के 2 पार्ट थे, हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे। तो प्लीज़ देखते रहना भाई, जब तक हम देखेंगे नहीं हम सीखेंगे नहीं। भाई हमें कामयाब होने के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर चार करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल रहमान एज। भाई 3 साल पहले रहमान की आयु क्या थी इसके अंदर, और फिर 5 साल बाद अब 1/3 हो जाती है उसकी वर्तमान आयु निकालने में। रेसिप्रोकल क्या होता है? उसका व्युत्क्रम किसी संख्या का, हमें व्युत्क्रम मतलब जिसको हम उल्टा कर देते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर डाल देते हैं, ऊपर वाले हम नीचे डाल देते हैं, उसे हम रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम बोलते हैं। तो पहले लिखेंगे हम माना रहमान, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष लेते हैं। फिर लिखेंगे हम 3 वर्ष पहले रहमान की आयु क्या ले लेते हैं, अगर पहले है तो हम इसको माइनस में रखेंगे। उसके बाद है 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, अगर बाद में है तो इसको हम प्लस में रखेंगे। तो प्लीज़ आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद देखो हम कैसे करते हैं। अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख लेते हैं। इसके अंदर क्या कहता है प्रश्न के अनुसार? रेसिप्रोकल कहता है जिसको हम व्युत्क्रम बोलते हैं, इन संख्याओं का क्या करता है? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम रख लेते हैं हम इसका, x माइनस 3 और प्लस सम कहता है, जोड़ कहता है, तो x प्लस 5 और बटे 1/3 हो जाता है। तो अब हम इसको वही पीछे जो करा था हमने, इसी तरह हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी डालते हैं हम एक्स के साथ। ए वन की करेंगे हम, एक्स प्लस 5 और प्लस एक्स माइनस 3 × 3। अब इन दोनों की मल्टी करते हैं हम, एक्स की 2 प्लस 5x माइनस 3 के साथ x की 3x और 5 × 3 = 15 और 1/3 रखते हैं इसके अंदर, 1/3 रख देते हैं। फिर हम जोड़ते हैं x के साथ, x को प्लस कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास 2x और 5 में से 3 को घटा देते हैं, प्लस 2 बचेगा। अब इसको करते हैं हम x की 2 और 5 में से 3 घटाएंगे प्लस का 2x और माइनस 15 और = 1/3 हमारे पास संख्या बचेगी। उसके बाद हम इसके साथ क्रॉस मल्टी करेंगे हम। अगर क्रॉस मल्टी करते हैं तो x की 2 प्लस 2x और माइनस 15 = डाल देते हैं, 3 के साथ करेंगे हम, 3 × 6x और 3 × 6 हो जाएगा। भाई एक के साथ अगर करेंगे तो सेम संख्या हमारी वही आती है। उसके बाद हम = को बाहर निकाल देते हैं, x की 2 प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x और माइनस 6 = हमारे पास 0, हम बाहर निकाल देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, x की 2 ले लेते हैं और ये ज़्यादा बड़ी संख्या है तो 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो माइनस के हमारे पास 4x बचेंगे और 15 6 कितना हो जाएगा, माइनस के हमारे पास 21 और = हम 0 रख देते हैं। अब हम क्या D = फॉर्मूला डालेंगे हम, फॉर्मूला सभी को पता है, माइनस और माइनस 4 × 1 × 21, 1 × −21 रख देते हैं। D = 4 × 16 माइनस माइनस प्लस, 21 × 4 कितना आएगा हमारे पास, 84 आ जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अगर प्लस में है तो इसका हम मूल है, अगर मूल है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा।
तो चलो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। भाई थोड़ी स्केच में स्याही खत्म हो चुकी है, तो हम दूसरे स्केच से कर रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं। अब यहाँ हम अल्फा बीटा लगाएंगे इसके अंदर। अल्फा फॉर्मूला सभी को पता है, तो माइनस किसके अंदर है हमारे पास, माइनस के बी की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद है डी की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 100, और यहाँ हमारे पास 2 गुना 1 रख देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस 100 का रूट निकालेंगे हम, कितना आएगा 10, और 2 आ जाएगा। अल्फा बराबर है 10 और 4 14, 14 बटे 2, 2 सते 14, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 आ चुकी है। उसके बाद हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, बीटा की वैल्यू तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ 100 रखते हैं, और 2 गुना 1 बीटा है 4 माइनस 10 बटे 2, तो बीटा और माइनस 6 बचेगा और 2, तो 2 3 6, बीटा की वैल्यू किस में आई है, -3 में आई है, तो हम -3 इसकी वैल्यू माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लस में इसकी परसेंटेज निकालनी है हमें, तो ये नहीं लेंगे हम क्या लेंगे परसेंटेज, तो इसमें हम यहाँ ले लेते हैं रहमान के, क्या कौन सी प्लस वाली लेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 वर्ष। रहमान की हमारी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष, इसका आंसर आ चुका है 7 वर्ष। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, तो वीडियो पर बने रहना भाई, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, बड़े मज़ेदार सवाल है भाई, जब तक हम करते हैं बहुत ही आनंद मिलता है अगर पढ़ते हैं तो मन लगाकर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या कहता है भाई ये, भाई एक लड़की है शेफाली, वो क्या करती है मैथ में और इंग्लिश का टेस्ट देती है, उसमें दोनों में 30 अंक टोटल प्राप्त करती है, और वो मैथ में 2 अंक ज़्यादा प्राप्त करती है और इंग्लिश में 3 अंक कम प्राप्त करती है, और उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 210 है, और उन्हें भाई सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं वो हमें निकालना है। तो चलो हम चलते हैं, पहले क्या कहता है भाई ये मैथमेटिक्स, तो इसमें ले लेते हैं हम माना, माना शेफाली ने गणित में, शेफाली ने गणित में अंक प्राप्त किए, एक्स ले लेते हैं हम इसका, क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। उसके बाद है फिर क्या था, अंग्रेजी जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, इसमें क्या कितना करती है वाई करती है, और फिर क्या कहता है भाई, भाई टोटल अंक 30 अंक प्राप्त करती है लेकिन मैथमेटिक्स में, तो गणित में अंक प्राप्त, गणित में प्राप्त अंक अधिक करती है 2, तो इसको हम प्लस में रख देते हैं। फिर क्या था अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या करती है वो कम करती है, तो टोटल हमारे पास कितने अंक थे उसके, टोटल अंक थे हमारे पास 30, 30 अंक प्राप्त करती है वो, तो इसमें से हम घटा देते हैं इसको, 30 माइनस x और -3 कम प्राप्त करती है। अब यहाँ रखेंगे हम प्रश्नानुसार, क्या रखेंगे प्रश्नानुसार हम रख देते हैं। अब x प्लस 2 और 30 में से हम 3 घटा देंगे, 27 माइनस x इज इक्वल टू हम कितना रखेंगे 210, क्यों क्या कहते हैं भाई, इन दोनों का गुणनफल अगर हम करते हैं तो उसको 210 प्राप्त होता है, 210 प्राप्त होता है। उसके बाद है हम गुणा करेंगे हम इसकी, 27 एकम 27x
और एक्स 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 की 2 आ जाएगा, 27 दूनी 54 और 2x इज इक्वल टू कितना रखेंगे हम, 210। अब एक्स की 2 27 में से 2 घटाएंगे हम, प्लस का हमारे पास कितना बचेगा, 25x और प्लस 54, माइनस के इज इक्वल टू निशान बाहर काट देते तो माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास ये संख्या आ चुकी है। उसके बाद है माइनस एक्स की 2 और प्लस 25x। अब 210 में से हम 54 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का, 56 और 5, 5 में से यहाँ बचेगी मतलब 0 हो जाएगी, मतलब 0 तो यहाँ 5 हो जाएगी, 10 में से 5 जाएंगे 5 और 156, हमारे पास ये संख्या आ चुकी है, 156 आ चुकी है। क्योंकि हमने पहले किसके साथ एक्स के एक्स की मल्टी करी थी, कितना आएगा 27 के साथ 27x, और एक्स की 2 आएगा, 27 दूनी 54 और 2x आ जाएगा। अब इसमें से हम माइनस का निशान कॉमन बाहर निकालते हैं तो माइनस एक्स की 2 और माइनस 25x और प्लस 156 इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, द्विघात समीकरण, एक्स की 2 माइनस 25x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम d बराबर b2 घटा 4ac का फॉर्मूला हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो चलो हम इससे आगे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हम, d बराबर b2 घटा 4ac डालेंगे हम इसके अंदर। तो d b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 25 रख देते हैं और 4 गुना 1 गुना 156, तो d बराबर 25 25 कितने होते हैं, 625 मल्टी आती है, माइनस प्लस माइनस, 6 चौके 24, 15 चौके 60 और 2 62, कितना आएगा 624। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1 आ चुकी है, तो इसका क्या आ जाएगा, मूल है, हम मूल लिख देंगे। मूल कब होता है भाई, जब d की वैल्यू प्लस में आती है तो हम मूल लिखेंगे। उसके बाद अल्फा बीटा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसके अंदर, अल्फा बी की वैल्यू हमारे पास -25 तो +25 और प्लस 1 का रूट निकालेंगे हम, 1 आ जाएगा और 2 गुना 1 और अल्फा बराबर है 25 से कितना हो जाएगा, 26/2, तो 13 दूनी 26, अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 13 आ चुकी है। उसके बाद हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, बीटा के अंदर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास माइनस है तो प्लस और यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का रूट निकालेंगे हम, 1 ही आता है और 2 गुना 1 रख देते हैं हम। बीटा 25 में से इसको हम घटाते हैं, क्या आएगा 24, 2 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, तो बी की वैल्यू बीटा की वैल्यू कितनी आती है, 12 आती है। तो इसीलिए हम इसमें अगर कौन सा भी अंक ले सकते हैं इसके अंदर हम, अगर मान लें तो, क्योंकि दोनों संख्या हमारे पास प्लस की है तो इसके अंदर हम रख देते हैं। अगर ये रखते हैं तो गणित के अंदर कितना अंक आ जाएगा उसका, मान लें हम 13 लेते हैं तो 2 13 2 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे इसके अंदर, 13 2 15 हो जाएंगे इसके अंदर, अगर हम इसके अंदर 13 लेते हैं। फिर जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ 3 अंक प्राप्त करती है तो 3 इसमें से टोटल कर देते हैं हम इसके, तो 15 हो जाएंगे, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएंगे इसके अंदर, 25 से 26 हो जाएंगे और इसमें 12 दूनी 24, तो यहाँ अंग्रेजी के हम रख देते हैं इसके अंदर, अंग्रेजी में कितने आएंगे, अगर हम 13 लेते हैं तो 13 में से 3 घटाते हैं हमारे पास कितने, टोटल 10 आएंगे इसके अंदर, तो हमारे पास ये संख्या आ चुकी है। अगर मान लें 13 13 2 कितने होते हैं, 15 होते हैं, और इसमें से जैसे मान लें इसने टोटल अंक 30 किया था तो इसमें से ये संख्या ले लेते हैं, तो 30 में से हम ये संख्या घटा देते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने थे, 30 अंक थे। अगर 30 में से हम 13 घटा देंगे तो कितने आ जाएगा, अगर पहले हम किसके लेते हैं, क्योंकि इसमें कम लिए थे तो हम इसके अंग्रेजी के हम ले सकते हैं, तो इसमें से 17 बचते हैं, तो यहाँ हमारे पास अंग्रेजी आ जाएगा इसके अंदर और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, गणित, तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ 3 अंक या 2 अंक ज़्यादा प्राप्त करती है और यहाँ 3 अंक कम प्राप्त करती है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके बाद है, हम अगले जो वीडियो बनेगी उसके अंदर जो टॉपिक है या क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों भाई, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।